हमारी मांग है जी, गेस्ट टीचर थे मेरे घर वाले, 2020 में डेथ हो गई थी उनकी, जॉब सिक्योरिटी दी हुई उनको, हमें कुछ नहीं मिला है। उनकी बीमारी पे बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था, उनके बाद हमें 1 रुपया भी नहीं दिया है, कुछ नहीं मिला। जॉब सिक्योरिटी वैसे नाम की सिक्योरिटी है, कुछ नहीं मिला हमारे को। तरह की दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है, बच्चे हैं जी, बच्चों का पालन पोषण बहुत मुश्किल से हो रहा है। दिहाड़ी करते हैं, दिहाड़ी भी ऐसी नहीं भाई परमानेंट दिहाड़ी हो, रोज चला जावे, कभी नरेगा में जाते हैं कभी कुछ करते हैं जी, परमानेंट दिहाड़ी भी नहीं है। हमारी मांग यही है जी, जॉब सिक्योरिटी है ना, जो 58 साल तक जॉब सिक्योरिटी दी है नहीं, उसकी हमें पूरी तनख्वाह मिल जाए, मिलनी चाहिए 2019 से, उन्होंने आश्वासन तो ठीक दिया जी। मेरा नाम सुदेश कुमारी है, मैं खेड़ी सिंबल वाली से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कैथल। और मेरे हस्बैंड की मृत्यु मतलब 31 अगस्त को हुई है, 2015 में 2015 में हुई है। वो सरप्लस दिखा दिए थे, जून में हटा दिए थे, और नवंबर को उनको वापस भी ले लिया था। तो मेरे को 3 लाख भी रुपए नहीं मिले हैं अभी तक। मैं DSC के मतलब कई बार जा चुकी हूँ, उन्होंने मेरे को कर्जे से कर रखे हैं, उनको भी ये सरप्लस हैं, इनको ऑन ड्यूटी नहीं दिखाया गया। ये नवंबर में वापस भी ले लिए थे और अगस्त में उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर मैडम हमारा क्या कसूर है भाई, हम मतलब क्या करें? घर चलाने के लिए तो मेहनत मजदूरी करना पड़ता है मैडम, बच्चे बड़े होने लग रहे हैं, 7-8 साल हो गए मैडम ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके काम चला रहे हैं मैडम। पारस शर्मा, प्रदेश महासचिव हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ। 2006 में हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचरों को मेरिट बनाकर सारे उन मानदंडों की अनुपालना करते हुए जो कि रेगुलर टीचर के होते हैं हमें लगाया गया, लेकिन हमें जो सैलरी दी जाती थी वो दिहाड़ी आधार पर दी जाती थी। 2009 में हमें फिक्स किया गया और 2019 में हमारी सेवाओं को कन्फर्म कर दिया गया कि 58 साल तक आप सेवाओं में बने रहेंगे और आपकी सैलरी साल में 2 बार बढ़ती रहेगी। लेकिन हमारे परिवारों के बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा। लगातार हमारे साथी, लगभग 184 साथी, जेंट्स साथी एक्सपायर हो चुके हैं और लगभग 19 के आसपास महिलाएं हमारी गेस्ट टीचर एक्सपायर हो चुकी हैं, जिनकी अधिकतर की मौत बीमारी से हुई है, क्योंकि हमें कोई भी किसी तरह का मेडिकल नहीं मिलता और हर वक्त गेस्ट टीचर तनाव में रहता है, क्योंकि उन्हें 1/3 सैलरी गेस्ट टीचर को दी जाती है। तो उसी का परिणाम ये रहा कि 184 गेस्ट टीचर की मौत हुई। और उसके बाद आप देखिए कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, तो उनके बाद इनका जो जीवन है वो मुहाल हो गया है और इनको दिहाड़ी पर काम करना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार से डिमांड ये है कि यदि हमारी सेवाओं को 58 साल तक कन्फर्म कर दिया गया, पक्का कर दिया गया है, तो इनके डिपेंडेंट को, आश्रितों को 58 साल तक वो सैलरी दी जाए जो इनके पतियों को मिल रही थी। देखिए, ये कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति की किसी वजह से डेथ हो गई, तो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो बच्चे पक्के कर्मचारी हैं उनको जिस प्रकार की सुविधा मिलती है कि इस प्रकार की डेथ होने के बाद उनके परिवार को उनकी पूरी जो तनख्वाह है वो मिलती रहती है, उसी प्रकार ये चाहते हैं कि उनको भी मिलनी चाहिए। तो हम ऐसा तो खैर कर नहीं सकते नियम अनुसार, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात करूंगा इसके बारे में कि हम क्या मदद कर सकते हैं इसकी, कहीं भी जिस प्रकार से कोई तरीका और बनता है मदद करने का तो बातचीत करें, पॉजिटिवली लेंगे हम। अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं इनका तो निश्चित तौर से कानून के दायरे में मदद करने का प्रयास करें। नहीं देखिए, इस प्रकार की कोई बात नहीं, वो कुछ इन लोगों की और बातें थी, इन्हें रूल बनाने की बात थी, ग्रेचुटी की बात थी, मेडिकल की बात थी, चार मांगे इस प्रकार की इन्होंने रखी थी। मांगे तो ज़्यादा रखी थी लेकिन चार पे हमारी सहमति हुई थी। वो फाइल जो है इस टाइम FD में है, तो उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी वो भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।